आप देख सकते होगा इसके यहाँ पर टोटल क्रेडिट लिमिट जो मेरे को मिली हुई है वो यहाँ पर 5,000 रुपये है। करंट में आउटस्टैंडिंग भी 5,000 की है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी लिमिट को यूज़ नहीं किया है। अगर इस तरह की लिमिट आप भी लेना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप देखिए कि अगर मैं विथड्रॉ मनी यहाँ पर करूँगा तो ये ईजिली मेरे बैंक में आ जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में प्रोसेस देखेंगे गाइस। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पर फटाक पे जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर पर ओपन कर लिया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आपको रेफरल कोड की भी नीड है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सिंपली गाइस एप्लीकेशन के बारे में पहले कुछ बेसिक डिटेल्स को देखेंगे फिर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। आप देखिए 10 लाख यूज़र एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और 4.2 की रेटिंग है जो कि काफ़ी बढ़िया है गाइस। अगर आप डेटा सेफ्टी देखोगे इसमें कि कौन कौन सा डाटा आपका शेयर करती है, ये डाटा कलेक्ट करती है या फिर नहीं करती है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। आपका डाटा शेयर नहीं किया जाता है लेकिन आपका कुछ डाटा जो है यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। अगर आप देखोगे गाइस तो हम जो है अबाउट दिस ऐप वाले फीचर में चलेंगे। यहाँ पर हम जो है गाइस एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है वो किन किन यूज़र को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो एप्लीकेशन जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को लोन प्रोवाइड करेगा गाइस। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को लोन प्रोवाइड करेगा तो आप यहां से लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर एप्लीकेशंस के बारे में और कुछ डिटेल्स देखोगे तो यहां पर 1,000 से लेके तो 5 लाख तक का आप लोन अमाउंट ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो गाइस। जो इंटरेस्ट है इसमें वो 12% से 35% तक रहेगा इसमें, मतलब 36% तक ही हो जाएगा, 35.95% बता रखा है। तो फ्लेक्सीबल टेन्योर इसमें आपको मिलेगा 3 मंथ से 36 मंथ का। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगी। 10 मिनट में जो लोन है वो डिसबर्सल कर दिया जाएगा अगर इसके लिए एलिजिबल रहते हो तो। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आप देख सकते हो गाइस इजीली, लोन का एग्जांपल वगैरह बता रखा है तो ये आप देख लीजिए। अगर नीचे देखोगे तो एज का क्राइटेरिया भी है इसमें, जो आपकी एज है वो 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए गाइस। अगर इस एप्लीकेशन में आप लोन के लिए ट्राई करते हो तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है एप्लीकेशन सब्जेक्ट होता है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से लोन के लिए ट्राई कीजिए। अभी देखोगे कि आपको लोन कैसे मिलेगा तो आपको फटाक पे एप्लीकेशंस को ओपन करना है, साइन अप करना है अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, पैन कार्ड एंटर करना है और एलिजिबिलिटी चेक करनी है। फिर उसके बाद में आपको KYC डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करने हैं, लोन का अमाउंट और टेन्यूअर चूज़ करना है बस, और विथड्रॉ पे क्लिक कीजिए, आपके बैंक में ईजिली आ जाएगा। और ये जो है ट्रस्टेड NBFC पार्टनर है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो एप्लीकेशन जो है NBFC के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करती है। यही कुछ इसमें बेसिक डिटेल्स है। अगर इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इनको जो है गाइस ईमेल भेज सकते हो। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तब भी ईमेल कर सकते हो, फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिंपली हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और सबसे पहले कुछ इस तरह से पेज आएगा, फास्ट डिजिटल मनी फॉर एवरीडे एक्सपेंसेस। ये भी देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने हैं। मोबाइल नंबर प्रोवाइड करोगे और प्रोसेड करोगे तो जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करोगे उस पर एक OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करना है। फिर आप जो है एप्लीकेशंस के होम पेज पर आ जाओगे जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा गाइस। अभी इसमें एक बात बता दूँ कि कुछ डिटेल्स मैंने इसमें ऑलरेडी कम्प्लीट कर रखी है, हो सकता है गाइस कुछ डिटेल्स ऐसी हो जो आप जो है गाइस फिल करो लेकिन मेरे को वो डिटेल्स नहीं पूछी क्योंकि मैंने इसमें पहले से अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर रखा है। अभी आप देखिए कि आपको जो फटाक क्रेडिट है वो यहाँ पर लेनी है तो KYC वगैरह हमें करनी है तो कंटिन्यू जर्नी पर हम क्लिक करेंगे। उसके साथ में आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो गाइस, यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल यहीं पर हम कंटिन्यू जर्नी पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले पैन डिटेल्स लेंगे, ये पेन के बाद में गाइस एलिजिबिलिटी चेक होगी। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर जो डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस हमने देखी थी अबाउट दिस ऐप वाले फीचर में वही प्रोसेस होगी, आपको उनको फॉलो करना है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमें बतानी है और पैन नंबर बताने हैं। ये डिटेल्स फिल करने के बाद में कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखिए कि इसके अभी आधार की डिटेल्स होगी तो आधार डिटेल्स में आपको जो अपने आधार है उसको डिजीलॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो हम वेरीफाई पे डिजीलॉकर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, अभी आपको वेट करना है। वेट करोगे यहाँ पर आधार नंबर फिल करने हैं और नेक्स्ट करना है। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा, OTP को आप एंटर करोगे तो आपका आधार सक्सेसफुली फेच कर लिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको जो है इस लोन की एलिजिबिलिटी बताई जाएगी। उसके बाद में अगर आपका पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट रहेगा
तो यहाँ पर आपको जो है कि सिक्योरिटी पिन एंटर करने होंगे और आपने पहले से सेट किए होंगे। अगर भूल चुके हो तो फॉरगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो फिर आपको ये जो पिन है वो सेट करना होगा, तो आप सेट कर लीजिए गाइस। अभी मेरे को पता है, मैं एंटर करूँगा फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। आप देखिए कि डॉक्यूमेंट को फेच किया जा रहा है डिजी लॉकर के थ्रू और यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है गाइस वो, कि हमें जो लोन है वो यहाँ पर अभी ईजिली बताया जाएगा अगर हम एलिजिबल रहेंगे तो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा। अगर मैं डन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर वेट करना है। अभी अभी हमारे सिविल स्कोर को भी चेक किया गया है, जिसका हमें ऊपर मैसेज आ गया है गाइस। क्योंकि इसमें आप देखिए कि हमें अपने कुछ डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपकी जो मंथली इनकम है वो, और साथ में आपका टाइप ऑफ रेसिडेंस। तो अगर आप टाइप ऑफ रेसिडेंस में देखोगे तो पर्सनल या रेंटल या फिर पेरेंटल या अदर, तो जो भी हो वो आपको एंटर करना है और फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है गाइस। और इसमें एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो है गाइस उन्होंने बता रखा है कि आई डिक्लेयर दैट द टोटल एनुअल इनकम बाय माय हाउस होल्ड, जो यहाँ पर जो है 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो हो सकता है गाइस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। फिर आप देखिए ये कुछ फीचर हैं गाइस जो अनलॉक हुए हैं, तो इन्हें आप छोड़ सकते हो। मतलब अभी आप देखिए हम यहाँ पर कंटिन्यू विद द लोन एप्लीकेशन पर जाएंगे। लोन एप्लीकेशन पर हम गए तो आप देखिए यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म फीस कुछ भी नहीं लग रही है, 0 रुपये है। साथ में आल्सो गेट एक्सेस टू, मतलब इसके साथ कुछ फीचर मिलेंगे वो आप देख सकते हो जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं गाइस। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हमने प्रोसेस किया तो सेल्फी अपलोड की हमें बोल रहा है गाइस, तो सेल्फी आपको एक कैप्चर करनी है। सेल्फी आप लोगे तो आपको गिव परमिशन फॉर कैमरा, तो कैमरे की परमिशन आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद में एक सेल्फी अपलोड करनी है। अभी आप देखिए गाइस कि यहाँ पर कुछ गिफ्ट बॉक्स हमें मिला हुआ है जो आप देखिए। अभी हम इसे सिंपली अनलॉक करेंगे और आप देखिए कि यहाँ पर जो हमको लिमिट है वो यहाँ पर बता दी गई है गाइस। आप देखिए कि यूअर मैक्सिमम लिमिट ऑफर्ड, मतलब 20,000 आपको मैक्सिमम लिमिट तक मिलती है, लेकिन अभी हमें जो मिली हुई है वो 10,000 बता रखी है। सिंपली हम क्या करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट ऑफर पर हम क्लिक कर देंगे गाइस। इस पर जैसे ही गए तो अभी आप देखिए कि जस्ट फ्यू स्टेप मोर, अभी आपको कुछ स्टेप्स और कंप्लीट करनी है। लाइक इसमें आपको जो कंप्लीट करनी है वो डिटेल्स हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है गाइस नॉमिनी डिटेल्स ऐड करनी है, एड्रेस ऐड करना है, बैंक डिटेल्स ऐड करनी है और ऑटो पे इसमें ऑन करना होगा, तभी जाके आप लोन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो देख सकते हो, अगर मतलब मैंडेटरी होगा तो करना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक एक करके जो स्टेप्स है ये आपको कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले नॉमिनी डिटेल्स भरनी है। नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी का फुल नेम आपको एंटर करना है, उनके मोबाइल नंबर और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है वो आपको बताना है। फिर आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर सकते हो। अभी आप देखिए कि हमारी जो नॉमिनी डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने नॉमिनी डिटेल्स ऐड कर दी है। अगर ऐड एड्रेस पे मैं जाऊँगा तो एड्रेस पे जाने के बाद में आप देखिए कि हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, लाइक एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि क्या फिल करना है। फिर पिन कोड, सिटी और स्टेट फिल करना है। सेव एड्रेस पे क्लिक करना है, आपकी ये डिटेल्स भी सेव हो जाएगी गाइस। अभी इसमें आप देखिए कि हमारी जो एड्रेस डिटेल्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। बैंक डिटेल्स हमें कंप्लीट करनी है तो बैंक डिटेल्स पर हम जाएंगे। बैंक डिटेल्स पर गए तो अभी आपको नथिंग हेयर बता रखा है, तो नीचे ऐड अकाउंट है तो वहाँ पर आपको जाना है। हम ऐड अकाउंट पर जाएंगे। ऐड अकाउंट पर गए तो आप देखिए और एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बता रखा है गाइस कि प्लीज़ नोट डियर कस्टमर, वी रिकमेंडेड नोट टू यूज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, मतलब आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पर ऐड नहीं करना है, एंड पेमेंट बैंक्स फॉर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के लिए आपको जो ये बैंक है ये ऐड नहीं करना है। तो इसे आप देख लीजिए गाइस। अभी सिंपली आपको क्या क्या फिल करना है बैंक को ऐड करने के लिए, तो IFSC कोड आपको फिल करने हैं, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर और दोबारा से अकाउंट नंबर, बस कंटिन्यू करना है, आपकी प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगी। अभी आप देखिए कि हमारी जो 3 डिटेल्स है वो कम्प्लीट हो चुकी है। सिंपली हमें सेट ऑटो पे पर जाना है। यहाँ पर आप देखिए गाइस कि अभी ऑटो पे को आपको सेटअप करना होगा, तो ऑटो पे सेटअप करने के लिए आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे आप इसमें नेट बैंकिंग की मदद से भी कर सकते हो, UPI के जरिए भी कर सकते हो, UPI के जरिए भी आप कर सकते हो गाइस ईजिली। अभी आप देखिए कि UPI के लिए आपको जो यहाँ पर जो गाइस कंसेंट देनी है, तो हम यहाँ पर प्रोसेड करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। ये जो कुछ परमिशंस हैं इन्हें दे के आप कंटिन्यू कीजिए, तो आप देखिए कि एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होगी और फटाक पे जो डिजिटल प्रोसेस है ये आप देखिए कि यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले अकाउंट को तो हम पे यूजिंग UPI पे क्लिक करेंगे,
अभी एंटर यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर, मतलब हम पेमेंट के जरिए जो है गाइस 1.18 रुपीज़ को हमें पेमेंट करना है। तो आपको गाइस ऑटो पे को ऑन करना होगा। ऑटो पे आप ऑन कर दोगे तो सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप जो है गाइस एप्लीकेशंस के होम पेज पर आ जाओगे। और अभी आप देखोगे तो गाइस जो है आपको होम इंटरफेस पर भी अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ स्टेप्स जो है हमारी अभी अनकम्प्लीट है, तो उसके बारे में आपको देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है गाइस लोन मिले, तो आपको जो है यहाँ पर ऑटो पे को भी ऑन करना होगा, तभी जाके आपको जो लिमिट है वो देखने को मिलेगी गाइस। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर जो है गाइस हम जो है यहाँ पर लास्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो जो हमें लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी। आप ये स्टेप पूरी कर लीजिए गाइस। फिलहाल इतनी ही स्टेप्स मैंने आपको बताई जो कि गाइस पूरी स्टेप्स हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर भी अगर रेफरल कोड पूछता है तो रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फिल कीजिए तो आपको जो लोन मिलने के चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे गाइस।